में जो बिल्डिंग है उसके लिए हमने कानून बनाया था कि म्हाडा एक्विजिशन कर सकती है। पिछले 2 साल ये कानून राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है, राष्ट्रपति अगर साइन करते हैं तो महाराष्ट्र मुंबई का पूरा बिल्डिंग इंडस्ट्री का मैथमेटिक्स बदल जाएगा। इसीलिए हमने मैंने ही वो कानून लाया था। मैं आपके माध्यम से श्रीमान माननीय राष्ट्रपति जी को विनती करूंगा कि मुंबई के लिए बहुत कठिन अवस्था है, 5-5, 10-10 बिल्डिंग ही गिरती है बारिश में, 100-200 लोग मर जाते हैं। ये कानून आएगा तो म्हाडा को एक्शन लेने में मदद होगी और म्हाडा एक्शन में उतर के डेवलपमेंट होगा। एक भी मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं फिर से एक बार बयान करता हूँ कि राष्ट्रपति जी अगर इस कानून को जल्दी साइन कर देंगे, उस पर जल्दी दस्तखत कर देंगे तो लाखों मुंबईकर इनके आभारी रहेंगे। वर्किंग वुमेन हॉस्टेल हे ताडदेवला बांधलं जात आहे। ह्यात वर्किंग वुमेन हॉस्टेलची सूचना जसं आमदारांनी केली आहे तसेच मी इथे सूचित करू इच्छितो, महाराष्ट्राला सांगू इच्छितो की मी गृहनिर्माण मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा मला जर कोणी सांगितलं असेल तर ते प्रतिभा वहिनींनी म्हणजेच शरद पवार साहेब यांच्या सुविध्य पत्नींनी हे मला सांगितलं होतं की वर्किंग वुमेन हॉस्टेलसाठी जितेंद्र काहीतरी कर। त्यांच्याच घराजवळ ताडदेव होतं हे अतिशय सुंदर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टेल बांधलं जाईल, त्यामध्ये 1000 महिलांना राहण्याची सोय असेल। तुम्हा सगळ्या पत्रकार जेवढ्या काय किती नाही, असं आहे की तिथे उधर पागडी से रहने वाले लोग आहे और प्लॉट छोटे छोटे आहे, कोई प्लॉट 1000 मीटर का प्लॉट किसके पास नाही आहे, 50 मीटर 100 मीटर वो मालिक को भी हम कर दे रहे हैं, उनको दरबदर नहीं भटकने देंगे। वहाँ पे एक भी आदमी बिना घर के नहीं रहेगा और इसीलिए म्हाडा को उन्होंने 100% कंसेंट दिया है। क्या कहें, कामाटीपुरा बरोबरच आम्ही उमरखडीचं डेव्हलपमेंट घेतो, त्याचबरोबर मिल्लत नगरचं डेव्हलपमेंट घेतो आणि सर्वात महत्त्वाचा जो तुम्ही विसरले आहात तो की आम्ही 300 आमदारांना गोरेगावमध्ये घर देतो। अभी CRZ का प्रॉब्लेम तो वो मेरे हाथ में नहीं है ना CRZ निकालना, लेकिन मेरी इच्छा है कि CRZ में फंसी हुई जो म्हाडा की इमारतें हैं उनको कुछ अलग बाजू में लेके हम अगर उसको FSI दे सकते तो वो देकर उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ, सगळ्यांना एक तिथे आश्रय दिला जाईल, नंतर तळीय गावचं सामाजिक हे म्हणून आपण पूर्ण करतो, अशा प्रकारची घरं आपण बांधतो आहोत, ती 600 स्क्वेअर फीटची आहेत, त्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे आणि ह्या तळीय गावचं काम आता नारळ फोडण्याचं बाकी आहे, ते लवकरच फोडून कामाला सुरुवात करू। 8500 कुछ लोग हैं वहाँ पे 29 एकर पे, सबको 500 स्क्वेअर फीट का घर मिलेगा। कामाटीपुरा का नाम बदल नहीं सकता, पूरे दुनिया में जिस नाम से वो जाना जाता है उसी का नाम होना चाहिए। BDD का भी नाम बदला नहीं जाएगा, BDD लिखेंगे और नीचे बाल ठाकरे नगर लिखेंगे। NM जोशीला राजीव गांधी सांगितलं ना बाबा, वर्ली का नाम बाल ठाकरे नगर रखा जाएगा, नायगाव का नाम शरद पवार नगर रखा जाएगा और NM जोशी नार्क पे जो BDD है उसको राजीव गांधी नगर कहा जाएगा। अजून काय आहे, 29 एकर पे बसा हुआ गरीबों का महाराज, ये देश यानी मुंबई का सबसे गरीब एरिया जो है, जो कहीं वजहों से जाना जाता है, उनके जो हालात है वो आप देख भी नहीं सकते। मैं जाके उधर खाना खा के आया, अमीन पटेल के मेहरबानी से ये पूरा लेआउट तैयार है और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आने वाले 3 महीने में उसका भूमि पूजन हो जाएगा। मत करिए मेरे पत्रकार भाई और बहनों,
आपके लिए भी घर की व्यवस्था करने की जिम्मे में लेता हूँ। मुझे 6 महीना दीजिए, कम से कम 500 लोगों के लिए एक प्लॉट में आपको निकाल के दूँ। पर माझ्या विरुद्ध बातम्या नाही, असं आहे की 6 महिने म्हणजे लगेच 6 महिने पकडू नका, नंतर माझ्या विरुद्ध। पत्रकारांना घर देण्याची जबाबदारी मी घेतलेली आहे। जसं मी मुंबईतल्या सर्वसामान्य माणसाला, मुंबईतल्या नाही तर ठाण्यातल्याही, ठाण्यामध्ये पवारनगर, लोकमान्यनगर नाही, पवारनगर आणि बाजूला एक नगर आहे अजून, म्हणजे वर्तकनगर नाही, काशीनाथ घाणेकरच्या समोर जी नगरं आहेत त्या सगळ्या नगरांचा पुनर्विकास केला जाईल। फक्त मी एकच तुमच्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना सूचित करतो, अनधिकृत बांधकाम बंद करा। जसं कोर्टाने सांगितलंय मोतीलाल नगरमध्ये की अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करता येईल, तशी ती ऑर्डर आज पूर्ण म्हाडा कॉलनीजला लागू झालेली आहे। एक ऑर्डर झाली की दुसऱ्या ऑर्डर ह्याच्या नसतात, त्यामुळे उगाच आपण अनधिकृत बांधकाम करून फसू नका। आपल्याला मी छान सुंदर घर बांधून देतो आहे, ह्या घरा तुम्ही जे घर घेतले त्या घरापेक्षा मोठं देतो आहे। तुमचं घर हे हिरानंदानीच्या सर्वात चांगल्या प्रोजेक्टच्या समोर आहे, म्हणजे ही घरं ही तुमची हिरानंदानीच्याच एवढी चांगली असतील, तेव्हा माझ्या तिथे राहणाऱ्या गरीब मराठी माणसांना मी सांगू इच्छितो, अनधिकृत बांधकाम करू नका। म्हाडा तुम्हाला चांगली घरं देण्याची जबाबदारी स्वीकारते। कैसा रहेगा 03 में, कैसा रहेगा 04 में, कैसा रहेगा 05 में, कैसा रहेगा ये दिखाया। ये सेल बिल्डिंग का लेआउट और ये रहेगा कामाठीपुरा। आज के तारीख में ये बिल्डिंग ये देखो, इनके हालात देखो, ये पूरा कामाठीपुरा कैसा बसा है उसका मैप देखो, ये इसका ये ऐसा, उसमें कुछ ये पीली जो दिखाई गई है वो बिल्डिंग डेवलप हो गई है। फिर ये कैसा आगे बढ़ने का इसका ये प्लान है। कामाठीपुरा में वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, ईस्ट एंड वेस्ट साइड में कितने हैं उसका ये गणित है। ये सब पूरे विश्व में अगर मुंबई की जो कुछ पहचान है उसमें से एक पहचान है कामाठीपुरा। मुंबई में जितने भी पर्यटक आते हैं बाहर दुनिया से, वो कामाठीपुरा में एक बार घूम के आते ही है। ये कामाठीपुरा, इसको पहले लाल बाजार करके पहचानते थे, 1885 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन ये मेहनत का काम था, पत्थर उठाना, मिट्टी डालना, क्योंकि मुंबई 7 बेटों में बटी हुई थी, उसको जोड़ना था और मुंबई बनाना था। तो ब्रिटिशों ने ये सोचा कि ये काम कौन करेगा, तो ब्रिटिशों ने पूरे भारत में सर्वे किया, रिसर्च किया, और तब उनको पता चला कि सबसे मेहनत का काम और पत्थर का काम कौन करता है, तो वो कामाठी आदमी करता है। वो कामाठी तेलंगाना में एक गांव में रहते थे, उनके उठाकर यहाँ लाया गया, यहाँ बसाया गया। उन्हीं लोगों ने रेलवे स्टेशन बनाया, उन्हीं लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना, बॉम्बे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई। मुंबई को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो कामाठी लोगों का है। आपको कामाठी लोगों की पहचान नहीं है, आपकी बिल्डिंग बनते वक्त अगर आपने देखा होगा, जब RMC का ज़माना नहीं था तब रेती, खड़ी, मिट्टी, ये सब ये कामाठी औरतें जो ऐसा झुमर लगे होते थे वो बेचारी उठा करके जाती थी, वो बच्चे लोग उनके वहीं खेलते थे। बांधकाम मजूर दो थे, वो कामाठी थे।